हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के इस लेक्चर सीरीज में अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने सेक्शन 27 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट से डील किया, यानी अपने अब तक के वीडियोस में हमने इस एक्ट से जुड़े जितने भी इम्पॉर्टेंट सेक्शंस हैं हमने ऑलमोस्ट उन सभी सेक्शंस को डिटेल में कवर कर लिया है। एग्ज़ाम में क्वेश्चंस इन्हीं सेक्शन से पूछे जाएंगे, तो आपको इन सभी सेक्शंस के ऊपर एक बेहतर कमांड बनाना होगा। अब हम कुछ वीडियोस में कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को समझेंगे, जैसे डिफरेंट काइंड्स ऑफ थियरीज ऑफ डाइवोर्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैरिजेस जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो एक बार फिर से हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैरिजेस के ऊपर कॉम्परेटिव लेक्चर लेंगे, जिसमें हम वैलिड मैरिज, वॉइड मैरिज, वॉइडेबल मैरिज, इन तीनों काइंड्स को फिर से समझेंगे। और लास्ट में हम सेक्शन 3 को कवर करेंगे, विच इज़ बेसिकली डेफिनेशन सेक्शन, जिससे अक्सर एग्ज़ाम में शॉर्ट क्वेश्चंस फ्रेम होते रहे हैं, जिसमें हम सपेंड रिलेशनशिप, डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, एग्नेट्स, कॉग्नेट्स, फुल ब्लड, हाफ ब्लड, यूटेरिन ब्लड, इन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो ऑलमोस्ट 3 और वीडियोज़ में हमारा कंप्लीट हिंदू मैरिज एक्ट कवर हो जाएगा। इस वीडियो में हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ थियरीज ऑफ डाइवोर्स के बारे में बात करेंगे। अब चूंकि हमने डाइवोर्स के सेक्शन को कम्प्लीटली बेयर एक्ट से समझा है, हमने उन सभी ग्राउंड्स को समझ लिया है, तो ये जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ थियरीज ऑफ डाइवोर्स है ये हमें और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चलिए, बेसिकली देर आर 3 काइंड्स ऑफ थियरीज ऑफ डाइवोर्स, राइट? द वेरी फर्स्ट वन इज गिल्ट थियरी या फॉल्ट थियरी या ऑफेंस थियरी, या इसे आप फ्रस्ट्रेशन ऑफ मैरिज थियरी भी कह सकते हो, राइट? तो चाहे आप गिल्ट थियरी कहो या फॉल्ट थियरी कहो, ऑफेंस थियरी कहो या फ्रस्ट्रेशन थियरी कहो, ये सभी क्या है? सेम। दूसरा है ई रिट्राइवेबल ब्रेक डाउन थियरी, और लास्ट है कंसेंट थियरी और विल थियरी। तो बेसिकली दीज आर द 3 काइंड्स ऑफ थियरीज ऑफ डाइवोर्स। एक एक करके हम इन तीनों काइंड्स ऑफ थियरीज के बारे में समझने वाले हैं। देखो, गिल्ट थियरी या फॉल्ट थियरी या ऑफेंस थियरी या फ्रस्ट्रेशन ऑफ मैरिज थियरी, अगर हम इसे सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करें तो हम ये कह सकते हैं कि हियर वन ऑफ द स्पाउस इज बीइंग गिल्टी ऑफ मैट्रिमोनियल ऑफेंस, किसी एक स्पाउस ने मैट्रिमोनियल ऑफेंस कमिट किया है, यानी हस्बैंड या वाइफ में से किसी एक का फॉल्ट है, किसी एक ने मैट्रिमोनियल ऑफेंस कमिट किया है। तो इसलिए इस थियरी का नाम है गिल्ट थियरी या फॉल्ट और ऑफेंस थियरी, राइट? और उसके उस मैट्रिमोनियल ऑफेंस के वजह से अदर पार्टी गेट्स फ्रस्ट्रेटेड, दूसरी पार्टी फ्रस्ट्रेट हो चुकी है और अब वो उसके साथ किसी हाल में नहीं रहना चाहती, तो यही है गिल्ट थियरी और फॉल्ट थियरी और ऑफेंस थियरी और फ्रस्ट्रेशन ऑफ मैरिज थियरी, राइट? हम ये कह सकते हैं कि जब हम गिल्ट और फॉल्ट और ऑफेंस थियरी में कुछ और ग्राउंड्स ऐड कर देते हैं, कुछ और ग्राउंड्स ऑफ मैट्रिमोनियल ऑफेंसेस ऐड कर देते हैं, तो वो कन्वर्ट हो जाता है फ्रस्ट्रेशन ऑफ मैरिज थियरी। जैसे
तो यहाँ हमने समझा कि वन ऑफ द पार्टी इज बीइंग गिल्टी ऑफ कमिटिंग मैट्रिमोनियल ऑफेंसेस, राइट। तो बेसिकली चार मैट्रिमोनियल ऑफेंसेस हो सकते हैं, राइट, जिसमें सबसे पहला है अडल्ट्री, विच इज गिवन अंडर सेक्शन 497 ऑफ आईपीसी। लेकिन हमारे न्यू आईपीसी, जिसे हम भारतीय न्याय संहिता कह रहे हैं, इसमें एडल्ट्री को कंप्लीटली रिपील कर दिया गया है। इट हैज फाइंड नो प्लेस इन बीएनएस। तो इफ वन ऑफ द स्पाउस हैज कमिटेड अडल्ट्री, देन द अदर स्पाउस हैविंग ऑप्शन टू गेट हिज और हर मैरिज डिसॉल्व थ्रू विच थ्योरी ऑफ डाइवोर्स, थ्रू गिल्ट थ्योरी और फॉल्ट थ्योरी, राइट। तो पहला मैट्रिमोनियल ऑफेंस, दूसरा क्रुएलिटी, वन ऑफ द स्पाउस इज बीइंग क्रुएल टू अदर स्पाउस, अपने दूसरे स्पाउस के साथ उसका जो बिहेवियर है वो क्रुएल बिहेवियर है, राइट। तीसरा इम्प्रिजनमेंट, किसी एक स्पाउस को किसी पर्टिकुलर ऑफेंस में कॉन्विक्शन हुआ है और वो जेल में है, इस बेसिस पर भी मैरिज को डिसॉल्व कराया जा सकता है थ्रू फॉल्ट और गिल्ट थ्योरी। और चौथा है अबेंडोनमेंट, वन ऑफ द पार्टी हैज अबेंडोन अदर पार्टी, एक पार्टी ने दूसरे पार्टी का परित्याग कर दिया है बिना किसी रीजनेबल कारण के, राइट। तो यानी वन ऑफ द स्पाउस इज बीइंग गिल्टी ऑफ कमिटिंग एनी वन और मोर ऑफ द मैट्रिमोनियल ऑफेंसेस, राइट। तो ये है गिल्ट थ्योरी और फॉल्ट थ्योरी और ऑफेंस थ्योरी, राइट। ये जो थ्योरी ऑफ डाइवोर्स है, ये ओल्डेस्ट थ्योरी ऑफ डाइवोर्स है और इस पर्टिकुलर थ्योरी ऑफ डाइवोर्स में इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि जिस समय डाइवोर्स के लिए पिटीशन फाइल किया जा रहा है गिल्ट थ्योरी ऑफ डाइवोर्स के बेसिस पर, तो उस समय तक पति और पत्नी एक दूसरे से अलग रह रहे हों, राइट। फिर क्या है, तो जब हम कुछ और ग्राउंड्स को ऐड कर देंगे, व्हेन वी ऐड सम मोर ग्राउंड्स ऑफ मैट्रिमोनियल ऑफेंसेस, जैसे अ मैरिज इज फ्रस्ट्रेटेड व्हेन वन ऑफ द स्पाउस इज सफरिंग फ्रॉम एनी फिजिकल एलिमेंट और मेंटल अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, तो फिजिकल एलिमेंट और मेंटल अनसाउंडनेस ऑफ माइंड एक ये ग्राउंड, एनी ऑफ द स्पाउस चेंजेस हिज और हर रिलीजन, अपने रिलीजन को चेंज करता हो या इस संसार का परित्याग कर दिया हो, रिनाउंस द वर्ल्ड, या बहुत लंबे समय से उसके बारे में दूसरे स्पाउस को खोज खबर ना हो, इवन उसके जो नेचुरल रिलेटिव्स हैं उन्हें भी उसके बारे में कुछ पता नहीं है, तो ये सभी ग्राउंड्स को हमने जब सेक्शन 13 कवर किया था तो उसमें हमने पढ़ा था। तो जब हमने कुछ और ग्राउंड्स ऐड कर दिया, जैसे फिजिकल इनकैपेबिलिटी ऑफ परफॉर्मिंग इंटरकोर्स, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, अदर पार्टी चेंजेस हिज और हर रिलीजन, रिनाउंस द वर्ल्ड और डिसअपीयर्स फ्रॉम दिस वर्ल्ड फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, तो ये हो जाता है फ्रस्ट्रेशन ऑफ मैरिज थ्योरी, राइट। अब जो हमारा दूसरा थ्योरी है वो है म्यूचुअल कंसेंट थ्योरी और विल थ्योरी ऑफ डाइवोर्स। इस थ्योरी को आप आसानी से ट्रेस कर सकते हो अंडर सेक्शन 13B ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट एज वेल एज अंडर सेक्शन 28 ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट, राइट। अब इसमें क्या है कि तीन ग्राउंड्स हैं, राइट। पहला ग्राउंड क्या है, द पार्टीज हैव बीन लिविंग सेपरेटली फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 1 ईयर,
तो म्यूचुअल कंसेंट थ्योरी ऑफ डाइवोर्स में जो तीन ग्राउंड्स हैं, जो तीन कंसिडरेशन हैं, उसमें जो पहला कंसिडरेशन है वो क्या है कि जो पार्टीज हैं वो पिछले एक साल से एक दूसरे से अलग रह रहे हैं म्यूचुअली विथ दियर ओन कंसेंट. दूसरा, पार्टीज हैव फेल्ड टू लिव टुगेदर. अब पार्टीज किसी भी हाल में एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते हैं और पार्टीज ने अपने बीच अग्रीमेंट कर लिया है कि वो दोनों म्यूचुअली एक दूसरे से अलग रहेंगे. तो सिंपल, इस पर्टिकुलर सेक्शन को हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है जब हमने सेक्शन 13B को कवर किया था. तो ये तीन ग्राउंड्स हैं, अगर ये तीन ग्राउंड्स फुलफिल हो रहे हैं तो दोनों पार्टीज अपने मैरिज को डिसॉल्व करा सकती हैं म्यूचुअली. ठीक है, कई स्कॉलर्स ने इस थियरी को क्रिटिसाइज किया है क्योंकि उनका ये मानना है कि ये जो थियरी ऑफ डाइवोर्स है ये डाइवोर्स प्रोसीजर को और भी ज़्यादा इजी बना देता है. पार्टीज के बीच अगर कोई मतभेद हुआ, राइट, या कोई उनके बीच जो बात पहले थी वो अब नहीं रही है, तो दे कैन गो फॉर डिसॉल्विंग देयर मैरिज, राइट. अब इसमें क्या है कि म्यूचुअल कंसेंट ऑफ डाइवोर्स का पिटीशन फाइल करने से पहले दो पॉइंट्स हैं जिन्हें दोनों पार्टीज को क्लियर करना होता है बिफोर फाइलिंग पिटीशन अंडर दिस थियरी ऑफ डाइवोर्स. पहला, कि परमानेंट एलिमनी का अमाउंट क्या होगा, क्या मेंटेनेंस होगा. दूसरा, बच्चे की जो कस्टडी है वो किसके पास रहेगी. तो हमने देखा कि गिल्ट थियरी या फॉल्ट थियरी में ये जरूरी नहीं है कि पार्टीज जिस समय पिटीशन फाइल कर रहे हैं तो पहले से वो एक दूसरे से अलग रहते हुए आ रहे हैं, राइट. क्योंकि सेपरेशन मींस ये नहीं कि दोनों के बीच जो सेपरेशन है वो फिजिकल सेपरेशन है और दोनों अलग अलग स्पेसेस पे, अलग अलग जगहों पे रह रहे हैं. दे कैन बी सेपरेटेड इवन विथ लिविंग अंडर द सेम रूफ, एक छत के नीचे रहते हुए भी उनके बीच दूरियां हो सकती हैं, राइट. लेकिन जो कंसेंट थ्योरी है, विल थ्योरी है, इसमें जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि पिछले एक साल से पति पत्नी एक दूसरे से अलग रह रहे हैं और अब वो एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते हैं. दे हैव ट्राइड ऑल देयर एफर्ट्स, लेकिन अब उनके बीच बात नहीं बन रही है और वो दोनों इस अग्रीमेंट पर पहुंचे हैं कि वो अपने मैरिज को डिसॉल्व कर देंगे. जो तीसरा थियरी ऑफ डाइवोर्स है, विच इज इरिट्रीवेबल ब्रेक डाउन थियरी, राइट. जब हम सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए सब क्लॉज 1 और सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए सब क्लॉज 2 इन दोनों सेक्शंस को, क्लॉजेस को कवर करेंगे तो हमारे सामने जो थियरी ऑफ डाइवोर्स निकल कर आएगा वो है इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन थियरी, राइट. अब तीनों के बीच जो डिफरेंस है वो आप समझ लो. इसमें हम क्या कर रहे हैं, तो बेसिकली सेक्शन 13 में जो ग्राउंड्स मेंशन्ड हैं उन ग्राउंड्स के बारे में बात कर रहे हैं. हियर वन पार्टी इज बीइंग ऑफेंडर ऑफ कमिटिंग एनी मैट्रिमोनियल ऑफेंस, राइट. जब हम कंसेंट थ्योरी या विल थ्योरी ऑफ डाइवोर्स के बारे में बात कर रहे हैं तो हम सेक्शन 13B को रेफर कर रहे हैं, लेकिन जब हम सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए सब क्लॉज 1 और सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए सब क्लॉज 2 इसे रेफर कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन थ्योरी ऑफ डाइवोर्स के बारे में. अब इसे समझ लो. तो सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए सब क्लॉज 1 क्या कहता है, जुडिशियल सेपरेशन, राइट.
और ये कहता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, अब सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए सब क्लॉज 1 को देखो कि दैट देयर हैज बीन नो रिजम्पशन ऑफ कोहैबिटेशन बिटवीन पार्टीज टू द मैरिज फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और अपवर्ड्स आफ्टर पासिंग ऑफ डिक्री फॉर जुडिशियल सेपरेशन इन प्रोसीडिंग्स टू विच देवर पार्टीज, कि कोर्ट ने डिक्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन पास कर दिया था और उसका जो टाइम पीरियड था जिस समय के लिए भी जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री पास की गई थी कोर्ट के लिए, कोर्ट ने जो जुडिशियल सेपरेशन का टाइम पीरियड फिक्स किया था वो एक्सपायर हो चुका है और पार्टीज़ के बीच अभी भी कोहैबिटेशन नहीं हुआ है, यानी दोनों एक साथ अभी भी नहीं हैं। तो डिग्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन हैज बीन पास्ड एंड द टाइम हैज बीन लैप्स्ड, इवन आफ्टर दिस देयर हैज बीन नो कोहैबिटेशन बिटवीन द पार्टीज। तो इसके बेसिस पर हम डाइवोर्स पिटीशन फाइल कर सकते हैं, दूसरी पार्टी डाइवोर्स पिटीशन फाइल कर सकती है क्योंकि दूसरा स्पाउस उसके साथ कोहैबिटेशन करने के लिए तैयार नहीं है, फिर से रहने के लिए तैयार नहीं है। अब सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए सब क्लॉज 2 रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स के बारे में बात करता है कि कोर्ट ने रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की डिग्री पास की थी और उस डिग्री के पास हुए एक साल या उससे ज़्यादा का टाइम पीरियड बीत चुका है लेकिन फिर भी पार्टीज़ के बीच कोहैबिटेशन नहीं हो पा रहा है। तो जो अग्रीव पार्टी है जिसके फेवर में रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की डिग्री पास की गई थी वो डाइवोर्स पिटीशन फाइल कर सकता है, किस थ्योरी के बेसिस पर? इरिट्रेवेबल ब्रेकडाउन थ्योरी, राइट। अब एक केस है हमारे पास, देखो ये जो थ्योरी ऑफ डाइवोर्स है ये है मॉडर्न थ्योरी ऑफ डाइवोर्स, एंड दीज आर द टू एडिशनल ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स। डाइवोर्स पिटीशन फाइल करने का ये क्या है, दो एडिशनल ग्राउंड्स है। एक केस है हमारे पास यूसुफ रॉदर वर्सेस सोवर्णमा 1970 का, इसमें कहा गया कि वाइल देर इज नो रोज विच हैज नॉट थॉर्न बट इफ यू होल्ड इज ऑल थॉर्न एंड नो रोज बेटर थ्रो इट अवे। अगर आपके हाथ में गुलाब का फूल है जिसमें कांटे नहीं हैं तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन जो आपने होल्ड किया है उसमें कांटे ही कांटे हैं, कोई फूल नहीं है, तो इससे अच्छा आप उसे फेंक दो। तो बेसिकली ये कहा गया कि अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच पहले जो रिलेशन था अब वो नहीं रह पा रहा है और बार बार एफर्ट्स करने के बाद भी अदर पार्टी आपके साथ रहने को तैयार नहीं है तो कोर्ट को भी ज़्यादा प्रेशर नहीं देना चाहिए और उनके बीच डाइवोर्स की डिग्री पास कर देना चाहिए और अग्रीव्ड स्पाउस को भी अपने आप को उससे अलग कर लेना चाहिए। यही है पूरा मतलब इस केस लॉ का। तो दिस थ्योरी एज द नेम सजेस्ट सेज दैट डाइवोर्स मस्ट बी गिवन वेयर द सिचुएशन इज सच दैट देर इज़ नो रीजनेबल प्रोबेबिलिटी ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ लिविंग टुगेदर अगेन। तो ये थ्योरी ऑफ डाइवोर्स जो कि मॉडर्न थ्योरी ऑफ डाइवोर्स है, ये थ्योरी ऑफ डाइवोर्स केवल यही कहता है कि अगर सब कुछ करा के देख लिया गया, कोर्ट ने मेडिएशन करा लिया, कोर्ट ने सभी एफर्ट्स कर लिया ताकि उनके बीच रिलेशन सही हो सके, लेकिन फिर भी 0% प्रोबेबिलिटी है उनका फिर से एक साथ आने का, तो उनके बीच का जो मैरिज है उसे डिसॉल्व कर देना चाहिए। एक और केस है हमारे पास नवीन कोहली वर्सेस नीलू कोहली का केस,
इसमें क्या कहा गया कि व्हेन नो रिजल्ट्स कम्स आउट इवन आफ्टर अ सीरियस अटेम्प्ट बाय कोर्ट टू ब्रिंग द पार्टीज टुगेदर, कोर्ट ने सभी सीरियस एफर्ट्स कर लिया है, अटेम्प्ट कर लिया है दोनों पार्टीज को दोबारा से साथ लाने का, लेकिन फिर भी दोनों पार्टीज एक साथ नहीं आ रहे हैं, तो कोर्ट को ये मानकर चलना होगा कि उनके बीच जो मैरिज है वो ऑलरेडी ब्रोकन हो चुका है और कोर्ट को भी डिक्री ऑफ डाइवोर्स ग्रांट कर देना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करता है कोर्ट तो उससे वो पार्टी जो डाइवोर्स चाहती है उसे और दुख होगा और फिर जो रिलेशन है वो खराब होता जाएगा, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इस वीडियो में हमने डिफरेंट काइंड्स ऑफ थियरीज ऑफ डाइवोर्स के बारे में बात किया, जिसमें हमने थ्री थियरीज ऑफ डाइवोर्स देखा, जिसमें पहला था गिल्ट और फॉल्ट और ऑफेंस और फ्रस्ट्रेशन ऑफ मैरिज थ्योरी। दूसरा इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन थ्योरी, जो कि मॉडर्न थ्योरी ऑफ डाइवोर्स है। और तीसरा म्यूचुअल कंसेंट और विल थ्योरी ऑफ डाइवोर्स, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बिकॉज आई बिलीव टुगेदर वी लर्न, टुगेदर वी ग्रो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।